इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राम, आप देख रहे हैं राम जी टेक्निकल। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ डिस्प्ले कंप्यूटर स्क्रीन ऑन फोन। जी हाँ दोस्तों, हाउ टू डिस्प्ले कंप्यूटर स्क्रीन ऑन एंड्रॉयड। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे जो है अपने मोबाइल पे यानी कि एंड्रॉयड मोबाइल के स्क्रीन पर जो है अपने कंप्यूटर या लैपटॉप का जो स्क्रीन है वो अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन पर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंप्यूटर की स्क्रीन को एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन पर देखने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों हम यहां पर टाइप करेंगे क्रोम रिमोट डेस्कटॉप। जी हां दोस्तों, ये क्रोम रिमोट डेस्कटॉप नाम का ऐप है गूगल क्रोम का, और इसको दोस्तों हम सिंपली यहाँ से जो है इंस्टॉल कर लेंगे अपने मोबाइल फ़ोन में। फाइनली दोस्तों ये हमारा जो ऐप है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब दोस्तों हम जाएंगे अपने स्क्रीन पर यानी कि लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन पर, यहाँ पर टाइप करेंगे गूगल में क्रोम रिमोट डेस्कटॉप। तो दोस्तों यहां से हम जो है क्रोम रिमोट डेस्कटॉप नाम का जो पहला जो लिंक आ रहा है इस पर हम क्लिक कर लेंगे, और यहां से जो क्रोम वेब स्टोर में जो आपको ये दिख रहा है क्रोम रिमोट डेस्कटॉप, यहां से दोस्तों ऐड कर लेंगे। यहां पर देखिए आपको एक पूछ रहा है कंफर्मेशन, तो ऐड ऐप पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यह कुछ समय लेगा, और ये चेकिंग करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से आपको लेआउट मिलेगा। नीचे देखिए यहाँ पर क्रोम रिमोट डेस्कटॉप आ गया, इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरह से एक पेज खुलकर आएगा जिसमें आपको दो ऑप्शन देखेगा। दोस्तों यहाँ पर दो ऑप्शन को मिला हुआ है, या फिर दोस्तों आप किसी और का कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर पर देख सकते हैं, या फिर दोस्तों अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को मोबाइल फ़ोन पर देख सकते हैं। तो नीचे वाला ऑप्शन जो है माई कंप्यूटर एक्सेस योर ओन कंप्यूटर फ्रॉम एनीवेयर पर हमें गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर इनेबल बोल रहा है, तो यहाँ से इनेबल करेंगे तो एक्सटेप एंड इंस्टॉल दोस्तों बोल रहा है, यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ दोस्तों सिंपली हम क्लिक करके एक एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल कर लेंगे इस पर, और यहाँ पर देखिए कॉर्नर पर जो है दोस्तों इंस्टॉल हो रहा है हमारा एप्लीकेशन। और दोस्तों जैसे ही हमारा जो ये क्रोम रिमोट डेस्कटॉप होस्ट वाला जो एप्लीकेशन है इंस्टॉल हो जाएगा, ये देखिए डाउनलोड कम्प्लीट हो गया। इसको डबल क्लिक करके दोस्तों हम यहाँ से रन करा लेंगे, रन पर क्लिक कर देंगे, और रन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए इंस्टॉल हो रहा है ये एप्लीकेशन, और इंस्टॉल ये देखिए फाइनली इंस्टॉल हो गया 3 सेकेंड। और यहाँ इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों ये देखिए कुछ इस तरह से सामने आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम एक पिन दे देंगे ताकि सिक्योरिटी बना रहे, कोई भी 5-6 नंबर का पिन है हम इसमें दे देंगे। यहाँ पर पिन देने के बाद दोस्तों यहाँ पर सिंपली जो है हम ओके कर लेंगे। यहाँ पर ओके करने के बाद दोस्तों हम फिर से जाएंगे, देखिए यहाँ पर इनेबल हो रहा है रिमोट कनेक्शन। अब दोस्तों यहाँ पर हो गया हमारा, अब क्या करना है दोस्तों सिंपली देखिए यहाँ पर हो गया है, अब हमें जाना होगा मोबाइल में। जी हाँ दोस्तों मोबाइल फ़ोन में जहाँ पर दोस्तों हमने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल किया था, सिंपली इसको ओपन करेंगे तो ये देखिए आपको दिखा रहा है डेस्कटॉप, और वहाँ से आईडी आपको दिखा रहा है। सिंपली इसको क्लिक करेंगे दोस्तों, और यहाँ पर जो है वो पासवर्ड जो है हमने जो वहाँ पर दिया था एक सिक्योरिटी वाला, यहाँ पर हमें वो पिन जो है वो टाइप करना होगा। तो हमने लिखा था 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ जो है हम टाइप कर देंगे ताकि जो है सिक्योरिटी बनी रहे। तो दोस्तों इसको टाइप करने के बाद यहाँ कनेक्ट करते हैं, और ये देखिए कनेक्टिंग हो रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है हमारा जो कंप्यूटर का डेस्कटॉप है वो मोबाइल की स्क्रीन पर यानी कि एंड्रॉयड मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है। अब दोस्तों हम जो है लैपटॉप से मोबाइल में जो है अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो की मदद से आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन को अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन पर देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में हिट कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ दोस्तों, तो मैं आपसे मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।